हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि SBI अकाउंट का मोबाइल नंबर कैसे चेंज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आप योनो लाइट SBI यूज़ करते हैं, चाहे योनो SBI ऐप्स यूज़ करते हैं, तो आप भी बहुत ही आसानी तरीके से अपने अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने अकाउंट का रजिस्टर मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं पे सारा कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा। SBI अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। उसमें आप टाइप कीजिए www.onlinesbi.com। ये टाइप करने के बाद आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग के नीचे एक लॉगिन का बटन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको जो है कंटिन्यू टू लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो आप यहां पे देखिए, यूजर नेम आपको यहां पे इंटर कर देना है, उसके बाद पासवर्ड यहां पे इंटर कर देना है, उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं यहां पे, इसको इंटर करके उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। इन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आपका नाम भी यहां पे शो करेगा, उसके बाद यहां पे आपका कुछ पर्सनल डिटेल भी यहां पे शो करेगा, अकाउंट नंबर, ब्रांच। उसके बाद चलिए हम यहां पे देखिए, आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहां पे आपको 3 लाइन पे यहां पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद माय अकाउंट एंड प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहां पे आपको जो है प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, माई प्रोफाइल, उसके बाद पर्सनल डिटेल और मोबाइल। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है पर्सनल डिटेल और मोबाइल, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आपके बाद यहाँ पे आपको जो है प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो वहाँ से आप देख के निकाल सकते हैं प्रोफाइल पासवर्ड। तो चलिए हम यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड इंटर कर देते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हम प्रोफाइल पासवर्ड इंटर कर दिए हैं, उसके बाद यहां पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने में देखिए कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो यहां पे कुछ आपका पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आपका जो भी अकाउंट में नाम होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा, उसके बाद email ID शो कर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए चेंज मोबाइल नंबर थ्रूथ ब्रांच, तो आप ब्रांच में भी जाके अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए चेंज मोबाइल नंबर डोमेस्टिक ओनली थ्रूथ OTP, उसके बाद आप OTP के माध्यम से भी आप अपना घर बैठे चेंज कर सकते हैं, और ATM में भी जाके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बिल्कुल भी घर बैठे ही बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है सेकेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि चेंज मोबाइल नंबर डोमेस्टिक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आपके बाद यहाँ पर देखिए इंटर न्यू मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको जो भी अपडेट करना चाहते हैं, जो भी आप लिंक करना चाहते हैं अपने अकाउंट के साथ, वो यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर न्यू मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे देखिए न्यू मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए फिर से आपको रिपीट यहाँ पे वही मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके पे भी क्लिक कर देंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपको सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शन मिलते हैं, बाय OTP के द्वारा, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, उसके बाद अप्रूवल थ्रूथ कॉन्टैक्ट सेंटर के द्वारा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको OTP के द्वारा बताएंगे, ताकि आप घर बैठे जो है अपना मोबाइल नंबर लिंक कर पाए, अपडेट कर पाए, चेंज कर पाए। तो यहाँ पे बाय OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट
नंबर भी शो कर जाएगा, उसके बाद ब्रांच भी शो कर जाएगा। अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पे शो कर जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका जितना भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कार्ड होगा तो यहाँ पे आप शो कर जाएगा। तो मेरे पास एक ही है तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नाम भी आ जाएगा, उसके बाद कार्ड टाइप एक्टिवेट है, तो यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर आपको जो है कार्ड नंबर ऊपर में दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर वैलिड टू एक्सपायरी डेट आपको देना है एटीएम कार्ड का, जो कि एटीएम के आगे ऊपर में ही लिखा रहता है। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम आपको देना है, कार्ड में किसका नाम है वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद आपको जो है एटीएम कार्ड का पिन का चार जो अंक होता है वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटर करके उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चलिए हम प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा, उसके बाद आप स्टेटस देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा, जो भी आप प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ाइए। तो अब आगे कैसे बढ़ाना है, तो जो भी आप प्रोसेस सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि हम ओटीपी के द्वारा सेलेक्ट किए हैं, तो ओटीपी के ही द्वारा आप जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको ओल्ड और न्यू मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी के साथ साथ एक रेफरेंस नंबर गया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो ये हम आपको सेंड करके दिखाते हैं, मैसेज को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे नंबर हम लिखेंगे 567676। ये लिखने के बाद यहाँ पे जो है हम सबसे पहले कैपिटल में आपको जो है एक्टिवेट लिखना होगा, उसके बाद स्पेस देके ओटीपी लिखना होगा, उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर यहां पे इंटर करना होगा। तो सबसे पहले आप ओल्ड मोबाइल नंबर से ही सिम से ही भेजे मैसेज सेंड करें। तो चलिए हम यहां पे सेंड कर देते हैं। नए मोबाइल नंबर को भी ऐड किए हैं यानी कि अपडेट किए हैं, उस पर भी एक मैसेज आया होगा, तो उसी मैसेज को आपको इसी तरीके से सेंड करना है एक्टिवेट लिख के, उसके बाद ओटीपी देके, उसके बाद ये रेफरेंस नंबर देके है कि चलिए कैसे चेक करना है कि मोबाइल नंबर जो है अपडेट हुआ है या चेंज हुआ है या नहीं। यहाँ पे फिर से ऑनलाइन sbi.com पे आप लॉगिन करके आ जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, माय अकाउंट एंड प्रोफाइल पे फिर से आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद फिर से आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल एंड मोबाइल पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड इंटर कर देंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है। सो दोस्तों, आप इसी तरीके से अपने अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।